नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर में आप अपनी वीडियो में जो वॉइस होती है उसे किस तरह से एडिट कर सकते हैं, उसकी आप जो है वो किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वॉइस जो है वो यहाँ पर किस तरह से एडिट करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उस वॉइस को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वॉइस जो है वो ऐड कर ली है। अब मैं आपको इसे एडिट करके आपको बताऊँगा, जिससे आप जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, वॉइस को एडिट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एडिट करने से पहले वॉइस कैसी थी और एडिटिंग करने के बाद वॉइस कैसी है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एडिटिंग करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको वॉइस के ऊपर इस तरह से टैप करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस खोल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसे आपको 150 के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपकी वॉइस यहाँ पर काफ़ी कम है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे इस तरह से 200% तक कर देना है। हमारी वॉइस जो है वो कम नहीं है, इतनी ज़्यादा कम नहीं है, इसलिए हम इसे 150 या फिर 150 तक इसे सिलेक्ट कर देंगे। आप अपनी वॉइस के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो वॉल्यूम। तो क्या करना है, आपको इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने से क्या होगा कि आपकी वॉइस जो है वो जहाँ पर आपने कम बोला है या फिर कहीं आपने हाई बोल दिया है तो यहाँ से जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पीछे आना है। पीछे आने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर वाले ऑप्शन इक्वलाइजर के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनको जो है वो ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर पर बेस रिड्यूसर का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने से होगा क्या, इसे सिलेक्ट करने से ये होगा कि आपके वॉइस में जितनी भी बैकग्राउंड नॉइस होगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। पूरी तरह रिमूव नहीं होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ से कम हो जाएगी। दोस्तों, इस ऑप्शन से जो है वो आपके वीडियो में जो बैकग्राउंड नॉइस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। एक दूसरा ऑप्शन है, वो आपको नीचे की तरफ मिलेगा, ट्रेबल रिड्यूसर। दोस्तों, इस ऑप्शन से भी आपकी जो वॉइस में जो बैकग्राउंड वॉइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ से कम हो जाती है। दोस्तों, ये दो फीचर जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। तो दोस्तों, इन दोनों को आप जो है वो ट्राई करके देख सकते हैं। हम इसे यहाँ पर बेस रिड्यूसर में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको फिर से इस वॉइस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर वॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिवर्ब। तो दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन ऑप्शन का जो है वो आप ट्राई करके इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है मुझे लगता है वो यहाँ पर स्टूडियो वाला ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, इस स्टूडियो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो वॉइस है वो यहाँ पर स्टूडियो में, जैसे वॉइस हम रिकॉर्ड करते हैं वैसे जो वॉइस है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसे टिक कर देना है। अब दोस्तों, आपकी जो वॉइस है वो यहाँ से एडिट हो गई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी वॉइस एडिटिंग करने से पहले कैसी थी और एडिटिंग करने के बाद कैसी थी। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हमने आपको बताया कि आप अपनी काइन मास्टर में वॉइस जो है वो किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।